मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इट्स राजू द व्लॉग। और आज है कौन सा दिन भाई? आज है बृहस्पतिवार। मुझे ये येलो ड्रेस में पहन के तो देख लो कि आज है बृहस्पतिवार और कल है हरितालिका तीज। और मौसम इतना बेहतरीन हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कल तक इतनी कड़ाकेदार धूप थी और आज मौसम देखो एकदम काला काला हो चुका है। ये देखो देख लो एकदम अंधेरा हो चुका है। तो आज मैं जा रही थी क्योंकि कल है हरितालिका तीज, तो मुझे करनी है ढेर सारी पूजा पाठ की तैयारी। तीज के एक दिन पहले की जो भागदौड़ होती है ना, वो दिखाते हैं और वो अब दिखाएंगे आपको 3:30 बजे से, क्योंकि अभी तो मेरा घर का काम हो रहा था। मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी क्योंकि मैं ना कभी कभी अंडे वंडे खा लेती हूँ घर पे, तो ये सारी चीज़ें वैसे होते हैं ना। तो सब साफ़ किया मैंने, सब पूरे घर की धुलाई उलाई आज ही कर ली क्योंकि कल रहेगा मेरा निर्जला व्रत। तो कल तो मुझसे पॉसिबल नहीं, कल तो मैं किसी और ही दुनिया में होंगी, तो इस वजह से आज मैंने सारी चीज़ें कर ली है। और अब चल रहे हैं बाहर की जितनी चीज़ें करनी है, जैसे मुझे सिर्फ पार्वती जी की प्रतिमा लानी है वो सब लाना, और भी बहुत सारे पूजा पाठ का सामान, फल फूल और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब लाना है। और मुझे बुलाना पड़ेगा क्योंकि अजीत के पास इतना समय है नहीं और कोई है नहीं मेरे यहाँ जो कोई कुछ और कर पाए, इसलिए मुझे ही सारी चीज़ें करनी है। और देखो बच्चे आ चुके हैं, खाना पीना खा चुके हैं, बस वंश का मैं वेट कर रही थी क्योंकि वंश जो है ना आ जाता, खा पी लेगा तभी जा पाएंगे, क्योंकि फिर इनको खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। माँ नहीं रहेगी तो कौन ही देगा, मतलब मम्मी उतना कर नहीं पाती ना, तो मम्मी अभी अपने काम को कर रही हैं। मम्मी की तो तबीयत आज ही से थोड़ा लो लग रही है, तो सबसे पहले मैं लाऊंगी इलेक्ट्रॉल पाउडर और इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल घोल के पियेंगे, जिससे कल बिल्कुल भी वीकनेस ना लगे, क्योंकि मुझे है बीपी की थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो मेरा बीपी हो जाता है किसी भी फास्ट में लो, चीनी भी नहीं खाते तब तो लो ही हो जाता है। और सोचो बिना चीनी बिना नमक बिना पानी के मैं कैसे रहूँगी, पता नहीं हर साल रहते हैं। लेकिन इस व्रत के आने से पहले ना मेरी एकदम हालत ख़राब रहती, सही बताओ किस किस को इस व्रत से थोड़ा सा डर लगता है कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत डर लगता है, इतनी मतलब मेरी हालत ख़राब हो चुकी होती है रात तक में। और अगला दिन बाप रे बाप कैसे, बस भोले बाबा है ना, भोले बाबा ही सब कुछ सही करेंगे। तो चलते हैं, अभी चलते फटाफट मार्केट, थोड़ा सा भी पानी रुका हुआ है लेकिन अभी पूरी तब पूरे रूप से रुका नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं निकलेंगे ना तो बहुत लेट हो जाएगी और फिर रात भी हो जाएगी। तो चलते फटाफट सारी चीज़ों को कर लेते हैं क्योंकि मम्मी कह रही जाओ जल्दी जल्दी से करके आ जाओ, जिससे कि सारे काम टाइम से हो जाए। तो बस अभी वंशु तुम ये सब हटा देना, तो वंशु हटा देगा ये सारी चीज़ें, मैं बस बाल बांधूंगी और फटाक से निकल जाऊंगी। और मम्मी ने कहा था कि आज के ही दिन बाल धुल लेना चाहिए क्योंकि कल नहीं धुल सकते तीज पे बाल, क्योंकि कहते हैं कि तीज के दिन सेंदूर जो होता है ना उसको धुलना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग अपनी माँ की बात मानते हुए आज ही मैंने अपने बाल को हेयर वॉश वगैरह कर लिया है, कल इन सब चीज़ों की टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। और जो जो मेरे चैनल में पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर भी कर दो, जिससे कि थोड़ी सी तो ग्रोथ बढ़ ही जाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। देखो मेरी सास आ गई है और ये कलर नहीं किया अपने बालों में, इतनी थक चुकी है। हाँ आराम कर, देखो सोने का समय निकल गया। हाँ हमको सोने को नहीं मिलता, सोने को नहीं मिलता। इन्होंने मेरे व्लॉग में मेरी बेइज्जती कर दी। ये देखो अपने पति के लिए लेके आएंगे से, बीच में आधा हम खा लेंगे, ये जा अपादान में कवर लगाया कि नहीं। हाँ 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 सही, देखा मेरी सास कितनी पीड़ित है मुझसे, क्योंकि ना मैं बच्चों के स्कूल छोड़ने के बाद ना सो जाती हूँ मैं, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है, अगर मैं जागूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, अगर मैं टाइम से सोऊँ ना तो मतलब अगर अपना पूरा टाइम लेके सोऊँ ना तो मेरे सर में ही दर्द होने लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उससे उस समय ना बहुत वीक पड़ जाती, फिर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो मैं सोचती भले मैं 2 घंटे सो लूँ लेकिन मैं जब उठूँ तो पूरे एक्टिव रहूँ, तो बस ये। और ये उदास है क्योंकि इसका फ़ोन क्या बदलना है वंश इसका,
अरे राम रे, इन लोग धमकी मुझे देते। गाइस, आपके घर वाले आपको धमकी देते? मेरे घर से मुझे धमकियां मिलती हैं। सो फैमिली, इधर मैं आ रही हूँ अपने श्री पार्वती जी की मूर्त को लेने के लिए। तो देखिए हमारे यही वाला एक पैक, तो ऐसे की जो पार्वती जी और सारी चीजें हैं, तो इस तरीके के बना के बेचते हैं। और ये कलरफुल नहीं होती, ये गंगा जी की मिट्टी से बनती है, तो इसको कलर नहीं किया जाता, इसको इसी तरीके से पूजा किया जाता है। तो वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने से इसको कलर कर दूँ, तो देखते हैं कि अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो अगर मम्मी से पहले पूछ लेंगे कि अगर होता होगा तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखो गाइस, और अगले दिन ही तीज के छोटे वाले नीचे गणपति बप्पा आने वाले हैं, तो यहाँ पे ढेर सारे गणपति बप्पा जी लगे थे। वैसे तो मेरे यहाँ ये तो सब आपके निकल जाते हैं, वाला नहीं मतलब उत्सव मनाया जाता है, लेकिन ये कोई उत्सव नहीं है, तो पूजा है, हर कोई कर सकता है। तो मेरे पास जो गणपति बप्पा रखे हैं ना, मैं उन्हीं से पूजा कर लूँगी, मैं ऐसे खरीद के नहीं ले जाऊँगी, नहीं बहुत सारी पूजा होती है इसमें। और फिर देखो, मैं तुरंत उसको रखने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बाज़ार में, और बाज़ार में देखो इतनी भीड़ और इतनी बारिश हो रखी थी ना कि पूरा माहौल कीचड़ ही कीचड़ था। लेकिन मैंने किस किस तरीके से करके अपने पूजा की पूरी तैयारी की है मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। इतनी मेहनत, इतना मतलब लगन लगाना पड़ता है। और देखो मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाऊँगी, और जो हो सकता है बस उतने कर पाएंगे। तो फिर मार्केट का खोलने के बाद मैं घर आई, तो घर में आते मन वंश ने मेरा मूड ठीक करने के लिए एक बढ़िया सा अपना डांस प्रैक्टिस कर रखा था उसने, तो उसने मुझे वो दिखाया। और मेरा वंश बहुत अच्छा डांसर है गाइस, आप कहोगे एक ब्लॉग उसके नाम का बनाऊंगी मैं। सो फैमिली, आ गए हम बाज़ार से, और एज यूजल बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मेरी हालत देख के लगा मैं सामान नहीं उठा पा रही थी। मैं इतना सारा सामान लेके आई, सब्जी फल मिठाई सारी चीज़ें उठा उठा के एकदम थक गए गाइस, सच बता रहे, एकदम मेरे चेहरे से देखो मैं थकी लग रही हूँ। गजब बेइज्जती है, इसको कभी नहीं लगते थके। अब इतना ज़्यादा भीड़ थी गाइस, इतना ज़्यादा सामान हो गया था कि मोबाइल बिल्कुल भी कैरी नहीं कर पा रहे थे कि मैं ऐसा कुछ आपको दिखा पाऊँ। लेकिन जितना हो सका मतलब जो मुझे लगा कि हाँ आपको ये तो दिखा देना चाहिए कि मैं बाज़ार में हूँ, तो फिर वो दिखाया और सारा सामान लेके आ गए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप एक एक सामान आपको याद होना चाहिए कि हाँ आपको क्या क्या चाहिए। और मतलब कि ऐसा होता ना कि मैं बहुत ज़्यादा मार्केट में देख रही थी कि सब अपने हस्बैंड के साथ आ रहे थे, कोई अपनी सासू माँ के साथ आ रहे थे, कोई कोई के साथ, लेकिन मैं वहाँ पर अकेली थी और मेरे बच्चे भी नहीं जाते मेरे साथ, और मैं अकेले सारा बाज़ार करके आई हूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि एक एक चीज़ याद करना, एक सेंदूर बिंदी से लेके और खाने में क्या बनना है, फलार में मतलब फलार तो नहीं होता लेकिन खाने में क्या बनना है, बच्चों के लिए क्या ले जाना है। और आपको बताऊं कि तीज के अगले दिन ही मेरे यहाँ कोई आने वाला भी है, तो अभी कौन आने वाला है वो नहीं बताएंगे, बस जो आने वाला है आपसे शेयर करेंगे। तो चलो अभी अभी ना मैं देखो अपनी सासू माँ के लिए जूस भी लेके आई हूँ। तुम्हें तो दादी से इतना सारा प्यार करती हो, खाना खिलाने पिलाने में नहीं करती हो। हाँ अभी दे दे, तो फिर फटाफट जूस पहले मम्मी को दे देंगे, क्योंकि ताकत हमको अपने लिए भी लेके आए, मम्मी के लिए भी लेके आए। अरे रिद्धि कुछ भी छूना नहीं, पूजा का है, चलो फटाफट रख लेते, नहीं रिद्धि भंटा धार कर देगी। सो फैमिली, जितना मैं सामान लेके आई थी उसको रखने के बाद, अब देखो मेरा टाइम शुरू हो गया मेहंदी लगाने का। तो मैंने अब की बार बहुत शॉर्टकट में मेहंदी लगाने का सोच रखा था और वही मैंने किया। और मुझसे मतलब मेरा ये पहली बार था ना, तो मुझसे बन नहीं रहा था, तो मैंने मीशो से मंगा रखा था कुछ मेहंदी के स्टिकर्स, तो उसी से मैं अब की बार मेहंदी लगाने वाली हूँ। और वो जैसी भी लगेगी मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि अब मेरे पास टाइम भी नहीं है। और ये मेहंदी इसलिए क्योंकि एक तो जल्दी लग जाएगी, ऊपर से मुझे कहीं बाहर जाके टाइम नहीं देना पड़ेगा, और इंस्टेंट मेहंदी लगा रही हूँ तो इस वजह से भी ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला।
तो मुझे मतलब मैं उसको नीचे तक पूरा देख भी नहीं रही पा रही थी, लेकिन जितना हुआ मुझे मैंने जितने वीडियोस में देखा कि हाँ कैसे लगता है, इसको भी लगाने के लिए मुझे वीडियोस को देखना पड़ा गाइस। और जितना भी लगा तो मैंने इसको इस तरीके से चिपका लिया, और फिर ऐसे था कि इसको फिल करना है तो इस तरीके से मेहंदी डाल के इसको फिल किया मैंने, और जितनी कोशिश, और मैंने कैमरा अभी थमा रखा था वंश को कि वंश जरा से इसको जल्दी से इसको कवर कर लो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ उतनी बुरी नहीं लगी थी, ठीक ठीक सी लग गई थी, अच्छी लग रही थी। और अगर आपके पास समय कम है तो आप इस तरीके से, और बाहर आप जाओगे ना मेहंदी लगाने तो बहुत चार्ज हो गया आज का हर चीज़ के, तो मैं ना इतना चार्ज तो नहीं दे सकती गाइस, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं सच बताऊँ मैं कुछ भी इतना एक्सपेंसिव कर ही नहीं सकती, मेरा ना जो है मन वही नहीं कहता कि हाँ आप इतनी महंगी चीज़ें करो बेफजूल की। तो ये मुझे ना जो ये स्टिकर सीट है ये मुझे 100-110 का मिल गया था, जिसमें पैर और दोनों हाथ का था, और मेहंदी 10 रुपये की, तो मतलब 100-200 में मेरा पूरा काम हो जाए, तो मैं एक हाथ में 300-400 की मेहंदी क्यों ही लगाऊं। तो वैसे तो मैं हर साल चली जाती थी, लेकिन इस बार मैंने कहा कि जब इंस्टेंट ही लगाना है तो इसी सब तरीके से अपने मतलब कि यूज़ करो, फालतू का पैसा वेस्ट मत करो। तो देखो यहाँ पे मैं मेहंदी लगाने की बैठी ना, तो सबसे पहले तो आ गई रिद्धि, क्योंकि मैं मेहंदी लगाऊँ और रिद्धि ना लगाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने बड़ी उससे रिक्वेस्ट की कि रुक जा पहले मैं लगा लूँ फिर तुम लगाना, तो बड़े रिक्वेस्ट के बाद वो मानी, और फिर मैंने अपनी मेहंदी को कंप्लीट किया। फिर अपनी मेहंदी लगाने के बाद मैं चली आई मम्मी के पास, फिर मम्मी को मैंने, मम्मी का आपके बाद बिल्कुल भी मूड नहीं था कि, क्योंकि उनका कहना था कि वो हाथ से अपने कपड़ों को धुलती है ना, तो उनका था कि मैं आपके बाद मेहंदी नहीं लगाऊंगी, लेकिन मेरे ज़िद करने पे उन्होंने थोड़ा सा लगा लिया। तो कुछ तो मैंने स्टिकर चिपका के इनका लगाया, और फिर जो खाली खाली सा लग रहा था तो मेरे जितने है वो मैंने अपने से लगा दिया। तो गाइस देखो मैंने मम्मी की मेहंदी लगा दी, मम्मी की मेहंदी हो गई। सारे रोग जो तुम्हारे खत्म हो जाए। और मम्मी पैर में लगाती है रंग भयानक वाला, इसलिए मेहंदी की जरूरत नहीं है, और सही चल रहा है। और ये देखो ये कहाँ गई, ये देखो ये खुरा पाती इनको देखो, ये यही तरह बदमाशी करती रहती है, क्या कर रही है ऊपर निकल। गाइस मेहंदी लगाने के बाद देखो मेरा ये कितना रच गया, ये स्टैंड मेहंदी की यही है बढ़िया आइटम। रिद्धि ने भी लगा ली, रिद्धि का भी कल तीज कर रहे थे। टैटू वाले में सही तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सही है, बहुत आपको अच्छी नहीं मिल पाएगी, लेकिन हाँ आपके काम चलने भर का हो जाएगा। बाहर जाओ ना, इतनी इतनी महंगी मेहंदी लगाने से अच्छा है भाई यही लगा लो, जब छूटनी दस मतलब कि एक दो दिन में ही है। मेरे पैर की देखो, पैर की तो अच्छी लग रही है मुझे, दोनों में लग गई बढ़िया से। और अब चले खाना बनाने, खाने में बनाना है बिना लहसुन प्याज का खाना। तो मम्मी ने ये देखो आलू काट दिया है, ये बनाऊंगी मैं भुजिया, और दाल चावल रोटी सब्जी यही बनाना है मुझे। तो बस अब खाना बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, और एक हाथ में रात में मेहंदी लगा लेंगे। तो देखो क्या रहता है पोजीशन। पहले तो मैं जा रही हूँ, मेरे बॉडी में पेन हो रहा है तो मैं जा रही हूँ अभी दाल चढ़ा के और भुजिया छोड़ देंगे, और पहले एक मेडिसिन खा लेंगे, और फिर उसके बाद रात में सर दर्द वर्ग की दवाई खाएंगे। और देखो मैंने ना, हम लोग सरगई में ना ये खाते हैं, ये गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन खाएंगे, और रबड़ी लाए हैं, रबड़ी अरे मतलब दिखा रहे, रबड़ी भी लाए हैं भाई ये, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लाए, थोड़ा सा लाए, तो ये निकल ही नहीं रहा है, तो इसमें मैंने लाई है रबड़ी और गुलाब जामुन। यहाँ तो केवल गुलाब जामुन ही खाते हैं मम्मी लोग, और हमने कहा कि चलो रबड़ी भी ले रहे थे थोड़ा सा, मन तो इमरती भी लेने का था, लेकिन पता है मुझे और मम्मी दोनों को ही प्रॉब्लम है कि हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा खा लेते हैं ना तो हम लोगों के गले में होने लगती है जलन, और हम ही लोग मेन दो हैं, तो हम खीरा खाएंगे, रबड़ी खाएंगे और रसगुल्ले खाएंगे। आप लोग क्या क्या खाते हैं सरगई में ये कमेंट करके बताना। सरगई में मम्मी तो रात में 12 बजे तक ही खा लेंगी, हम हाँ 2:45 बजे तक अलार्म लगाएंगे जिससे मैं ढेर सारा पानी पी लूँ, एक बार इलेक्ट्रॉल घोल के पी लूँ, जिससे कि मुझे कल वीकनेस बिल्कुल भी ना लगे। तो चलो फटाफट बना लेते खाना, और अब मिलेंगे कल के व्लॉग में। आज के लिए इतने ही, बस इन्हीं पे समाप्त करेंगे, नहीं तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग स्किप कर करके देखोगे, तो इसलिए वो चीज़ नहीं करना है। तो चलो मिलते हैं कल। आप लोग ने क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, सब कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या
नहा खा में क्या क्या होता है। हमारे यहाँ तो नहा खा होता है, तो इसलिए हम लोग ने सुबह नहा खा वाले में बिना लहसुन प्याज का ही खाना खाया है और अभी भी बिना लहसुन प्याज के ही खाना खाएंगे। और आप लोग क्या क्या किया कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से रहो, खुश रहो और अच्छे से हरी तालिका दीजिए बनाओ। बाय बाय।